तीनों कालों के आकार को अपने व्रत में स्थित रखने वाला ओमकार, अपने निराकार नेत्रों से मैं जगत में घटने वाली गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करता हूं। विगत घटनाक्रम में मैंने मनु और शत्रुपा का विवाह संपन्न होते देखा। ऋषिगण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये ही ऋषिगण वीरणी और दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद देने भी उपस्थित थे। सृष्टि की रचना का क्रम गतिमान हुआ तो सृष्टि के रचनाकार सदाशिव लोक कल्याण निमित्त सगुण साकार रूप में अपने गण नंदी श्रृंगी भृंगी सहित अवतरित हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद तथा देवगण ने आह्लादित होकर उनका जयनाद किया, उनकी महिमा का गान किया। देवगण सदाशिव के अवतरण से प्रसन्न अवश्य थे किंतु शक्ति के अवतार के प्रति जिज्ञासु भी थे। ब्रह्मा विष्णु और नारद की जिज्ञासा का समाधान करते हुए सदाशिव ने स्पष्ट किया कि शक्ति अजन्मा नहीं होगी, उसका जन्म लौकिक होगा, वो सगुण रूप में प्रकट होगी। दक्ष प्रजापति शक्ति अवतार के पिता एवं वीरणी माता होंगी, ये जानकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होते हैं। कारण कि महान सिद्धि और सफलता के लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है। मेरी बहनें आ रही हैं, अभी आप जाइए। यदि यूं ही भेज देना था तो मन के तार से खींचकर बुलाया ही क्यों था। फिर कभी अकेले में आ जाइएगा, अभी अब जाइए ना, अभी अब जाइए ना। जाऊं? अच्छा ये बात है, किससे बातें कर रही थी रति? किसी से भी नहीं। यहाँ कोई आया ही नहीं था, ये अपने आप से ही बातें कर रही थी। लगता है इसका मन भरमा गया है। आंखें दुल्हन बनी है और पलखे घूंघट सजा रही है, अधरों पर नहीं नहीं और मन में हाँ हाँ। अपने प्रियतम को यहाँ बुलाकर उसे अपने मन का हाल सुनाकर कहती है यहाँ कोई आया ही नहीं। बताओ ना रति, कौन था वो जो तुम्हारे हृदय को शीतल पवन की तरह स्पर्श कर आनंदित कर गया? बोल रति, कौन था वो जिसके मिलन से तेरे मुख की लालिमा और भी चमक उठी? बोलो ना, कौन था वो जो तुम्हारी चंचल चितवन और मादक मुस्कान के आकर्षण में बंधा यहाँ तक चलाया था? वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं कुछ भी नहीं जानती। ओहो, परंतु उसके आगमन से जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है वो मैं नहीं बताने वाली। अच्छा, तो फिर हमें ही पता लगाना होगा कि वो था कौन। कामदेव, प्रिय पुत्र कामदेव। प्रणाम पिताश्री ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव, किस ओर से आगमन हुआ और किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आकाश में भ्रमण कर रहा था परमपिता। ऐसा लगता है तुम दक्ष प्रजापति के महल से होकर आ रहे हो। क्या कह रहे हैं परमपिता? क्या तुम्हारी यही कामना नहीं है? चलो मेरे साथ, अब तुम्हारा रति से अधिक समय दूर रहना उचित नहीं है। आओ कामदेव। क्या बात है महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? महारानी, हमारी सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं। उनके लिए योग्य वरों का चयन करना किसी समस्या से कम नहीं। विधाता हर कन्या का भाग पहले से ही निश्चित कर देता है और जिन कन्याओं ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के रूप में जन्म लिया है
वे साधारण नहीं हो सकती। आप उनकी चिंता छोड़िए। पुत्र दक्ष, पिताश्री। प्रणाम, प्रणाम परम पिता। आयुष्मान भव, इन्हें पहचाना? ये पुष्प धनवा कामदेव हैं, इन्हें भला कौन नहीं जानता। संभवतः तुम ये नहीं जानते कि हम तुम्हारी चिंता दूर करने आए हैं। हमारी चिंता? चिंता कैसी पिताश्री? तुम्हारी पुत्री रति के लिए कामदेव ही सर्वश्रेष्ठ वर हैं। हमारी इच्छा है कि तुम इन दोनों का विवाह शीघ्र ही संपन्न कर दो। रति और कामदेव पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पूरक बनेंगे। अब सोचने का समय नहीं है दक्ष। हम जानते हैं रति का जन्म कामदेव के लिए ही हुआ है और इन दोनों की आकर्षण शक्ति एक दूसरे को निकट भी ला चुकी है। यदि ऐसा है तो आपकी आज्ञा हमें शिरोधारी है परमपिता। हम आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही करेंगे पिताश्री। तो फिर मुझे आज्ञा दें परमपिता। अवश्य कामदेव, तुम्हारे शुभ विवाह का मुहूर्त शीघ्र ही निश्चित होगा। अकस्मात आपके दर्शन पाकर हमें अपार हर्ष हुआ है परमपिता। वीरणी, दक्ष, हमारे आगमन का उद्देश्य रति कामदेव विवाह प्रस्ताव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम तुमसे एक विशेष अनुरोध करने आए हैं। अनुरोध क्यों पिताश्री, आप आज्ञा दीजिए। आदिदेव महादेव रुद्रावतार का सगुण रूप लेकर कैलाश पर प्रकट हो चुके हैं, ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। सुना अवश्य है पिताश्री, परंतु सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने ये विचित्र रूप धारण क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। शिव का यह रूप वैराग्य, योग व भक्ति एवं श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप है। इसे समझना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। समय आने पर तुम्हें उनकी महानता का परिचय होगा। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता। आपसे अधिक भोलेनाथ के विषय में भला और कौन जान सकता है। परमपिता, पहले ये बताइए कि आप जिस अनुरोध की बात कर रहे थे वो क्या है। मैं शिवाज्ञा से तुम्हारे पास एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्या है वो संदेश? तुम दोनों को आदि शक्ति माँ जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या? तपस्या क्यों पिताश्री? यदि शक्ति माता को हमारे यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने की इच्छा है तो वे उसी रूप में प्रकट होंगी, उसके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता है। मैं भी यही सोच रही हूँ, हमारी इतनी कन्याओं की तरह वो भी जन्म ले लेंगी। वे अन्य कन्याओं की तरह सामान्य कन्या नहीं होंगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। ये न भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा। रति कामदेव के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वत्स दक्ष और वधू वीरणी। महारानी, पिताश्री की इच्छा अनुसार हमें शीघ्र ही रति कामदेव का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं। Thank you.
पुत्र दक्ष, अब शिवाज्ञा के अनुसार तुम और पुत्र वधु वीरणी शीघ्र ही शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जो आगे ओ माय प्रजापति, महारानी वीरणी। हे माँ जगदम्बे, अष्टभुजाधारी विश्वेश्वरी, प्रणाम। देवी शक्ति, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई प्रजापति दक्ष। महारानी वीरणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माँ, आप तो साक्षात शक्ति है। माँ जगदम्बे, परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है। माँ, हमारी ये कामना पूर्ण करें। माँ, हमारी ये कामना पूर्ण करें।
मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें, आदिशक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। ये किस लिए माँ? आप दोनों को ये स्मृति नहीं रहेगी कि मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया है। ऐसा क्यों माँ सर्वेश्वरी? इस कारण कि मेरे जन्म के पश्चात आप मुझे साधारण कन्या समझकर उसी प्रकार स्वाभाविक व्यवहार करें जिस प्रकार सामान्य माता पिता अपनी पुत्री से करते हैं। ये किस लिए माँ? हर प्रयोजन बताया नहीं जाता महारानी वीरणी। जैसी माँ विश्वेश्वरी की इच्छा, परंतु अब हमारी कामना शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। तुम्हारी कामना पूर्ति का वरदान तो मैंने दे ही दिया है महारानी वीरणी, कल्याण हो। जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो। महारानी जी बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ एक तेजस्वनी कन्या ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी जी। चलो राजकुमारी जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। ये शुभ समाचार जाके महाराज को सुनाते हैं। चलो चलो, चलो। माताश्री, आज का दिन हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। बधाई हो। महारानी वीरणी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारे महल में उसकी ज्योति फैल गई। तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए हैं। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। धन्यवाद महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। ये लो, तुम भी लो। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नारायण नारायण। अभिनंदन राजन, दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देवऋषि, आश्चर्य है आप सही समय पर पधारे। नारायण नारायण। आश्चर्य कैसा राजन,
दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ हाँ अवश्य देवऋषि, आप भी पधारिए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री बधाई हो। बधाई हो तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। देवियो आनंद करो, आनंद करो देवियो। ये लो प्रणाम। नारायण नारायण। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इस तेजस्विनी कन्या का नामकरण इसी समय हो जाना चाहिए। नामकरण इसी समय? हाँ, आज का ये दिन और ये समय अति पावन है। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। सती। धन्यवाद देवर्षि, आपने कन्या का नाम अति उत्तम बताया है। हमारी ये कन्या सती के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। हम इसी समय पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने जन्म लिया है। नारायण नारायण। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो।